आपको इसको सीधा नहीं रखना है, इस तरीके से मोड़ देना है। उसके बाद में जो अंदर खड़ी वाली डंडी दिखाते हैं ना अंदर के साइड में, जिससे लॉक अनलॉक करते हैं, बिल्कुल उसके पास ही इसको मारना है, ना आगे ना पीछे, वो डंडी के पास वाली जगह पर ही इस तरीके से लगाने पर बड़ी आसानी से खुल जाएगा। इस रूलर का बैंड होना बहुत ज़रूरी है, ये सीधा काम नहीं करेगा, इसको बैंड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अंदर जिससे हम डोर अनलॉक लॉक करते हैं उसके बिल्कुल पैरेलल इस जगह पर मारना है, 3 या 4 बार में ही ओपन हो जाएगा। अगर आपका डोर ओपन नहीं होता है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। डरना नहीं है, रिलैक्स रहना है, कोशिश करते रहो, 110% खुल जाएगा भाई। अगर वीडियो आपके काम में आया है तो दूसरों को शेयर ज़रूर करें।